The visa services for Canadian nationals, which were suspended in September because of diplomatic tension between India and Canada, has been resumed. Why has it been resumed? Why was it suspended? And how soon can Canadian nationals get their visa in case if they want to visit India? Uma Shankar, my colleague who tracks Ministry of External Affairs for us, is joining us live. Uma, ye developments ko kis tarah se dekha jaye? ये एक काफ़ी एक अच्छा डेवलपमेंट है, खासतौर पे भारत और कनाडा के रिश्तों के लिहाज से, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वीजा सर्विस रोकी गई थी इस बात की वजह से, क्योंकि निज्जर हत्याकांड में कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठाई थी और उसके बाद एक भारतीय जो टॉप डिप्लोमैट है उनको निष्कासित भी कर दिया गया था कनाडा से, उसके एवज में भारत की तरफ से भी एक कनाडाई जो डिप्लोमैट है उनको देश निकाला दिया गया और उसके बाद भारत ने वीजा सर्विस को रोक दिया था क्योंकि सुरक्षा का हवाला दिया था, क्योंकि निज्जर हत्याकांड में राजनयिकों के नाम लिए जाने के बाद, उन पर उंगली उठाए जाने के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था और इसी बात का हवाला देते हुए इन पर्सन वीजा सर्विस भी जो है वो रोक दिया गया था। 26 अक्टूबर को चार कैटेगरी का वीजा, जो जिसमें कि एंट्री वीजा है, बिजनेस वीजा है, मेडिकल वीजा है, इन वीजा को जो है उस सर्विस को बहाल कर दिया गया था और अब ई वीजा यानी कि जो टूरिस्ट है वो भी ई वीजा के जरिए, ई वीजा सर्विस के जरिए वीजा हासिल कर सकते हैं और कनाडा से भारत को आ सकते हैं। तो ये एक और कदम है भारत की तरफ से। हालांकि हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह की सुरक्षा का हवाला दिया गया या अश्योरेंस दिया गया है कनाडा की तरफ से, भारत ने आखिरकार ये कदम क्यों उठाया, तो इस बात पे अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अपनी तरफ से एक रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। Since you are saying that this is an effort perhaps being made by both the countries for normalization of ties, and of course as you elaborated, things took south, started going south, particularly after the allegations that were made by Justin Trudeau on the floor of the House without giving any proof, without giving any evidence. He had said that the Indian government or Indian officials were behind the murder of Khalistani terrorist Mr. Nijjar. My question now is, ye 6 visa categories kya hai jo pehle se chal rahi thi, aur ye jab e-visa shuru hua hai to kitne applications already pending hai? जी देखिए, जो 4 वीजा कैटेगरी पहले जारी किया गया था उसमें एक तो एंट्री वीजा है, बिजनेस वीजा है, मेडिकल वीजा है और कॉन्फ्रेंस वीजा है, और आज ई वीजा जारी किया गया। ई वीजा जो जनरली है वो टूरिस्ट के लिए होता है, तो 5 कैटेगरी का वीजा जो है वो देना भारत ने शुरू कर दिया है। जहां तक स्टूडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा तो भारतीय स्टूडेंट को चाहिए होता है जो कनाडा जाते हैं, ये भारत ने अपनी वीजा सर्विस को बहाल किया है जिसमें कनाडाई नागरिकों को मदद मिलेगी भारत आने में, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया था, जिसको कि रिज्यूम किया गया था 4 कैटेगरी में 26 अक्टूबर को। तो उमा, भारत में कोई कनाडा के बच्चे पढ़ते नहीं है? नहीं, भारत में कनाडा से बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि हाँ। भारत में कनाडा के बहुत सारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, खासतौर पे पंजाब में, तो वो मिलने जुलने के लिए जो है वो लोग आते हैं और बड़ी उनकी जरूरत होती है, और तभी यहाँ पे जो कॉन्सुलेट्स थे उनमें जो कनाडाई डिप्लोमेट्स की तादाद थी वो 60 के ऊपर थी, और भारत ने जब पैरिटी की मांग की तो 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को जो है वो अपने देश वापस जाना पड़ा, क्योंकि भारत ये चाहता था कि जितने भारतीय राजनयिक कनाडा में हैं उसी अनुपात में कनाडा के राजनयिक भारत में रहें। तो क्योंकि यहाँ पे कनाडाई नागरिकों को वीजा की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए जो चंडीगढ़ में, अमृतसर में जो कॉन्सुलेट था या फिर हैदराबाद में जो कॉन्सुलेट था, इसको इसकी सेवा पे असर पड़ा जब 41 राजनयिक जो है वापिस चले गए। तो ये जो है भारत की तरफ से पैरिटी की वजह से ये मांग की गई थी, वीजा सर्विस रोक दी गई थी, लेकिन अब वीजा सर्विस जब बहाल हुई है तो इसका फायदा जो है कनाडाई नागरिकों को होगा। जहां तक भारतीय स्टूडेंट के वीजा की बात है तो भारतीय स्टूडेंट के वीजा पर इस बाबत असर पड़ेगा क्योंकि 41 कनाडाई नागरिक वापिस चले गए हैं, तो जो वीजा सर्विस में जो एक गति होती थी, जो तेजी होती थी, उस तेजी से नहीं मिल पाएगा, तो भारतीय छात्रों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो कनाडाई राजनयिक हैं उनकी तादाद में कमी की गई है पैरिटी की वजह से। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि सिक्योरिटी सबसे पहली उसकी शर्त है और यही वजह है कि वो उसने वीजा सर्विस पे रोक लगाई थी, और जिसको कि आज ई वीजा के जरिए रिज्यूम किया गया और 4 कैटेगरी पहले ही रिज्यूम किया गया। और कौन कौन से काउंसुलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कनेडियन काउंसुलेट्स हैं, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए उमा कि वो सब कौन से काउंसुलेट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया था लास्ट? देखिए, हैदराबाद और अमृतसर जो है वहां से जो राजनयिक, जो 41 राजनयिकों को वापस कनाडा ने अपने देश भेजा, क्योंकि भारत ने ये कहा था कि एक समय सीमा दी थी और ये कहा था कि समय सीमा के बाद नहीं जाएंगे तो उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो वापिस ले लिया जाएगा, इस तरह की जानकारी कनाडा की तरफ से ही दी गई। तो इस वजह से जो कनाडाई जो राजनयिक गए तो उसकी वजह से चाहे वो अमृतसर का हो या फिर हैदराबाद का हो,
यहाँ के कॉन्सुलेट जो है उन्होंने काम करना जो है जो जो इन पर्सन जो वीजा मिलता था वो सर्विस जो है वो बंद करनी पड़ी उनको। तो इसका असर जो है वो जरूर भारत को, भारतीय नागरिकों को कनाडा का वीजा मिलने में उस पर असर पड़ेगा, पड़ रहा है बल्कि, और पहले से बैकलॉग बहुत ज्यादा है क्योंकि कोरोना के टाइम में वैसे ही वीजा सर्विस जो है बंद था, तो बैकलॉग जो है वो पहले से ज्यादा है। और जब ये वीजा सर्विस भारत की तरफ से रोकी गई तो ये कनाडाई नागरिकों के लिए रोकी गई थी, कनाडा ने अपनी तरफ से भारतीयों को वीजा देना नहीं रोका, लेकिन इतना जरूर हुआ कि यहाँ से जो उनके राजनयिक वापस गए तो उससे वीजा सर्विस पे असर पड़ा। तो क्या अब ये माना जाए कि जो डिप्लोमेटिक टेंशन है इंडिया और कनाडा के बीच में वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उमा जो वापस गए हैं पैरिटी के क्वेश्चन पर, क्या वो डिप्लोमैट्स की जो संख्या है वो वैसी रहेगी या फिर वो संख्या ओवरऑल कम रहेगी? अब ये देखिए, अभी जो भारत ने एक स्टैंड लिया है और जिसकी जिसको उसने कम्युनिकेट किया था कनाडाई सरकार को, और काफी लंबी जो वार्ता है वो भी चली, उसके बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों को वापस फाइनली बुला लिया, तो भारत तो अपनी इस पोजीशन से हटने वाला नहीं है, खासतौर पर तब तक जब तक कि कनाडा इस बात का एश्योरेंस न दे कि वहां पे भारतीयों की राजनयिकों की सुरक्षा वो सुनिश्चित करे, और जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे चलाते हैं, जो खालिस्तानी नेता वहां पर भारत विरोधी भावना भड़काते हैं, उन पे कार्रवाई न हो, उन तत्वों पे कार्रवाई नहीं हो। आपने देखा है कि एक दिन पहले ही जो एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जो एक कनाडाई जो नागरिक है जो वहां से भारत विरोधी बयान देता रहता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है भारत लगातार करता रहा है, लेकिन कनाडा ने उस पर कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वहां पे अपना डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल एक जो कंपल्शन है वो जस्टिन ट्रूडो को रोकता है कि वो ऐसे खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां से चलाते हैं। तो पन्नू के खिलाफ अभी एनआईए ने मामला दर्ज किया, उसके ऊपर पहले से ही मुकदमे हैं और वो एक घोषित टेररिस्ट है, लेकिन उसको एक्सट्राडाइट नहीं किया जा रहा है कनाडा की तरफ से। तो ये एक ब्रॉडर आस्पेक्ट का सवाल है कि भारत जो है वो रिश्तों में पूरी तरह से सामान्यता की बात कब करेगा, वो तब करेगा जब वहां पे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसको एक्सट्राडाइट किया जाए। 15 से 20 एक्सट्रेडिशन जो रिक्वेस्ट है वो भारत की तरफ से अलग अलग लोगों के लिए गया है जो कि भारत की नजर में आतंकवादी हैं, यहाँ पे वो कानून की नजर में आतंकवादी हैं, तो लेकिन कनाडा उन पे अमल नहीं कर रहा। तो अब ये देखना होगा कि ये जो शुरुआत भारत ने अपनी तरफ से पहल की है ई वीजा सर्विस जारी करने की, और इसके पहले 4 कैटेगरी का वीजा सर्विस जारी करने की, तो क्या जो पर्दे के पीछे कोई निगोशिएशन हुआ? अभी हाल में ही अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत हुई है, उसमें भी कनाडा का जो मुद्दा है वो उठा, भारत ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, कनाडा ने जो जांच की मांग की है, अमेरिका का ये कहना रहा है कि भारत उस जांच में सहयोग करे, भारत का कहना है कि जब तथ्य आधारित कोई सबूत मिलेगा तो उसके बाद ये बात होगी, अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कल 2+2 की बैठक हुई है उसमें भी भारत ने अपनी तरफ से कनाडा के मामले को समझाने की कोशिश की कि कैसे वहां चरमपंथ को हवा दी जा रही है। तो भारत अपने रुख को बरकरार रखते हुए सुरक्षा की मांग करते हुए और भारत विरोधी गतिविधि चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उस पोजीशन पे कायम है, लेकिन साथ ही साथ कनाडाई नागरिकों को जो वीजे की दिक्कत हो रही थी वो अब उस तरह से नहीं होगी, और भारत ने इस लिहाज से ये फैसला किया है क्योंकि बड़ी तादाद में कनाडाई जो हैं वो भारत आते हैं, जहां यहां पे उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो संबंध हैं यहां पर हैं, तो इस लिहाज से एक बड़ा कदम है भारत की तरफ से। So thank you, Uma, for that quick update because e-visa services have been resumed for Canadian nationals, which essentially means that it will be the tourist visa which has been resumed because India had already started the work visa and entry visa, entry business visa, business medical visa, and medical visa, and conference visa also. Conference visa. So visas and 4 categories were already going on. This is an addition for Canadian nationals who wish to travel to India for meeting their relatives, particularly those who are from Punjab and other parts who have their family members here. So good news, and we certainly hope, let's see though now how it pans out diplomatically. Thank you, Uma, and thanks for this broadcast. We'll be seeing you on another issue soon.